का व्यू पॉइंट है ट्रेकिंग कर जाते पूरा थाक कर रहे सब काले पूरा सो हाय मेरे सुस्की का मजा लेते हैं रोनिन का माइलेज टेस्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिर सेम डे लेकिन न्यू ब्लॉग, एक और नए कहानी। तो गाइस, आज मैं आप लोग को लेके जा रहा हूँ असला वाटरफॉल्स की तरफ। तो लेकिन मौसम अपने फेवर में नहीं, आप लोग देख सकते हो बैक साइड में पूरा काला बादल मंडरा रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ जाने के लिए। तो ये जो टी गार्डन है, ये टी गार्डन का नाम है तिवरिनी टी गार्डन। तो अब मेरे को तिंगलिंग होके नीचे की ओर जाना होगा। तो बाकी बातें मोटर स्टार्टर में बात करते हैं, चले फिर चलते। मेरे ख्याल से ये तिंगलिंग व्यू पॉइंट है, तो यहाँ पे आई लव मिरिक लिखा हुआ है, लेकिन वेदर कंडीशन बिगड़ रहा है। आप लोग देख सकते हो, जब वेदर क्लियर होता है ना तो यहाँ से एकदम गजब का व्यू दिखता है। मेरे दायां और तिंगलिंग टी गार्डन, और मेरे बायां तरफ ये फोगोली या कौन सा टी गार्डन है, शायद फोगोली टी गार्डन होगा। यहाँ बड़ा असले फॉल्स कति टाइम लगता है पुग्नु? ओके गाइस, तो मैं पहुँच गए अभी तिंगलिंग टी गार्डन पे। आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ से असली फॉल्स का जो डिस्टेंस है लगभग 7 or 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो 5 किलोमीटर अच्छा रास्ता है कारपेटिंग वाला, तो 2 या 3 किलोमीटर बहुत ही ख़राब रास्ता है। तो यहाँ से सिलगुड़ी का जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आप लोग सिलगुड़ी दूधे हो भी होके भी आ सकते हो। ये है तिंगलिंग टी गार्डन, ऊपर में धुप्पी डाँडा है, हम लोग बोलते हैं धुप्पी डाँडा, जो कि पाइन ट्रीज का एक व्यू पॉइंट है। तो ऊपर में भी आप लोग जा सकते हो, लेकिन आप लोग को बाइक हो या गाड़ी हो इधर पार्क करके इधर थोड़ा चढ़ाई चढ़ के पैदल यात्रा करके ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो देख सकते हो ऊपर में, मैं तिंगलिंग टी गार्डन में हूँ। तो मेरे को यहाँ से ट्रेन लेते हुए नीचे की ओर उस तरफ जाना होगा। तो चलिए फिर निकलते हैं। तो मैंने तिंगलिंग ऑलरेडी स्किप कर चुका, तो ये टी गार्डन का नाम है मिलिकतुंग टी गार्डन। तो आगे अब आने वाला है खरबानी, तो खरबानी से असला फॉल्स। खरबानी पहुंच गए, तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है असले वाटरफॉल्स 2.5 किलोमीटर। मेरे को राइट टर्न होके नीचे की ओर जाना होगा, तो चले फिर चलते। लेकिन यहाँ से जो रास्ता है ना, ये आगे तक ठीक है, हल्का सा कारपेटिंग करके बनवाया है, लेकिन थोड़ा आगे बहुत ही भयंकर ऑफ रोड मिलेगा। ये शुरू हो चुका है ऑफ रोडिंग, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि नीचे और भी डेंजर ऑफ रोड आने वाला है, भयंकर टर्निंग आने वाला है, गड्ढे वड्ढे भी आने वाला है। तो इसलिए कुर्सी की पेटी बांध के बैठी आप लोग, देखिए कितना छोटा रास्ता है, बहुत ही छोटा रास्ता। मैं सुखिया से 46 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ। ओहो, यहाँ पे तो पानी का धारा बह रहा है सड़क में, देखिए रोड का कंडीशन। ओ भाई साहब, सड़क में पूरा पानी बह रहा है ना, इसी कारण से थोड़ा स्लिप होने का चांस है, इसलिए थोड़ा संभाल के चला रहा हूँ। बिफोर 2 ईयर्स यहाँ पे आया था जावा लेके, लेकिन नीचे लगा था, डर डर के चलाया था यहाँ पे। देखिए खूबसूरत नीचे नदी है शायद। अब रोड का कंडीशन क्या ही बोलूं, गड्ढे वड्ढे है यही, और वो भी शार्प टर्निंग है, बहुत ही छोटा रास्ता, आप लोग देख सकते हो। दो किलोमीटर तक ऐसा वाला रास्ता है ऑफ रोडिंग। लेकिन हॉर्न मारना पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी। ओ भाई साहब, कैसा रास्ता है ये तो,
इतना छोटा ट्रेनिंग है आगे तो। थंबनेल के लिए मेरे को फोटो चाहिए, यहाँ पे क्लिक करना होगा शायद। इधर बाइक को रखते हैं, कहीं गिर ना जाए। ओ भाई मेरे, हाँ ठीक रहेगा यहाँ पे। ग्लोव्स मैंने खोल दिया है क्योंकि जैसे नीचे की ओर जा रहा हूँ वैसे गर्मी बढ़ रहा है ना। ओ भाई साहब, जैसे नीचे की ओर जा रहा हूँ वैसे गर्मी बढ़ता हुआ, पसीना पसीना आ चुका है ऑलरेडी। ये देखिए गाइस रोड का कंडीशन, लेकिन रोड खराब हो या ना हो लेकिन यहाँ का व्यू है ना, वो नेक्स्ट लेवल का व्यू है। आप लोग देख सकते हो पूरा ग्रीनरी, टी गार्डन, खरबानी टी गार्डन है शायद मेरे विचार से। बहुत ही नैरो रोड और शार्प टर्निंग होके नीचे की ओर जा रहा हूँ। तो जिस भाई ने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अरे भाई सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। नाइन सभी मत करो। खरबानी की चाय के बगानों में हमारा गोरखाली दीदी लोग टीडीप तोड़ता हुआ। यो खरबानी टी गार्डन है, त्यहाँ तलबाट हिँडेर माथि फल्समा चाहिँ 10 मिनट लाग्छ है। धन्यवाद तपाईँहरूलाई। यहाँ से दिदी से दादा से बात किया तो उन लोगों ने बोला कि रास्ता नीचे तक ऐसे ही रास्ता है। देखिए गाइस, कैसे भी करके आज बारिश ना हो बस जहाँ पे भी हम जाएंगे। ओ भाई यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा पत्थर रख दिया है भाई। इधर से देखिए रोड का कंडीशन, इतना बड़ा बड़ा पत्थर यहाँ पे गड्ढे वड्ढे, तो कैसे निकालो यहाँ से बाइक को, कोशिश करते हैं फिर। कोशिश करने से क्या जाता है। ओ भाई, ओ ओ ओ तो हैवी, कहाँ से निकाले, मेरे को इधर से निकालना होगा। ये देखिए छोटे मोटे तेरें से आसानी से निकलता है रोलिन। तो यहाँ से थोड़ा बहुत कारपेटिंग करके बनवाया है सड़क के। अब शायद मैं असली फॉल्स पहुँचने वाला हूँ ऐसा लगता है मेरे को, क्योंकि मैं बहुत ही नीचे तक आ गया ना। जब मैं जावा लेके आया था तो उस टाइम ऐसा वाला कारपेटिंग नहीं था, यहाँ पे भी फुल ऑफ रोड था। तो गाइस फाइनली मैं इंडो नेपाल बॉर्डर में पहुँच गए। ये रहा अपना देश का तिरंगा, तो उस पार नेपाल, इस पार इंडिया, एक लव्य असली। यहाँ पे है गजमेर होमस्टे एंड रेस्टोरेंट, आप लोग यहाँ पे खाना ऑर्डर कर सकते हो। तो आंटी जो भी वेज नॉन वेज सभी आइटम यहाँ पे बनवा देंगे। आप लोग देख सकते हो ऊपर में ये कॉन्टैक्ट नंबर, आप लोग स्क्रीनशॉट करके यहाँ पे खाना ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो ऊपर में है असला वाटरफॉल्स, बहुत ही खूबसूरत। कैमरा में आप लोग को दिख रहा है या नहीं, लेकिन यहाँ से मेरे को एकदम क्लियर दिख रहा है। चलिए आप लोग को फ़ोन से जूम करके दिखाते हैं फिर। 3, 2, 1 ये चेक करिए गाइस, इट्स ब्यूटीफुल, वाओ, इट्स मेस्मराइजिंग। तो वहां तक मेरे को बाइक नीचे पार्क करके ट्रैकिंग करके जाना होगा। तो आपने रोनी को यहाँ पे पार्क कर दिया, मेरे को जाना है ऊपर। तो हल्का सा दिख रहा है वो जंगल के बीचों बीच में फॉल्स। तो यहाँ से मेरे को चढ़ाई चढ़ के जाना होगा, पैदल यात्रा करके जाना होगा।
तो हालत एकदम ख़राब हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। जो भी जैकेट था सब मैंने आंटी को वहाँ पे छोड़ दिया, तो मैंने वहाँ पे खाना भी ऑर्डर कर दिया है, वेज खाना। तो आप लोग वहाँ पे भी खाना ऑर्डर में कोई भी वेज नॉन वेज कोई भी खाना आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। तो मेरे को यहाँ से 10-15 मिनट का ट्रैकिंग करके ऊपर की चढ़ाई चढ़ के जाना हुआ ऊपर की ओर। फाइनली गाइस मैं बंगाल का हाईएस्ट वाटरफॉल्स पहुंच चुका हूँ। तो चलिए आप लोगों को दिखाते फिर, 3, 2, 1। बेङ्गालको हाइएस्ट वाटरफल्स असल वाटरफल्स पनि यहाँनिर आउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर बहिनीहरू चाहिँ भेटेको, जसले चाहिँ भिडियोग्राफी र फोटोग्राफीमै हेल्प गर्यो। थ्याङ्क यू सो मच। बहिनीको नाम? मेरो नाम आइना। अनि मेरो नाम याङ्की। तपाईँको? मेरो नाम खुसी। र एकदम खुसी लाग्यो, हाम्रो गोर्खाली चेलीहरू हो सबै, कस्तो लाग्यो? मजा आयो। तर ट्रेकिङ गर्दा चाहिँ पुरा थाक्दो रहेछ, उकालो पुरा चढ्छ, मजा आउँछ। अब पछि आएपछि यहाँ निस्किसो झर्नाको थमारीले गर्दा छुट्टै मजा आउँछ नि त है, बेग्लै मजा आउँछ। मजा आयो, मजा आयो। ल त ल गाइस, ल बाई भनिदिनुहोस् ल। न्यू सब्सक्राइबर हुन जाँदैछ बहिनीहरू सिलगढीबाट, सुकुनाबाट है। ल यहाँ पे आंटी एकदम प्योर अर्ग्यानिक भेजिटेबल्स मेरे लिए बना रहा है आंटी। गरम चाहिँ गरमै रहेछ यता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, इसलिए मैंने ये ऊपर से एक स्टिंग लिया था, एनर्जी ड्रिंक। गाइस तो मेरा खाना आ चुका है, तो ये सिनकी का सूप और ग्रीन वेजिटेबल्स। तो मैंने बारिश की वजह से गोप्रो को कवर कर लिया है। तो अभी टाइम हुआ 2:50, अब यहाँ से चलते फिर ऊपर में रोड कैसा होगा, अभी बारिश हो रहा है ना। तो रोड थोड़ा बहुत स्लिपरी हुआ है, तो सोच रहा हूँ कि अपने रोनिन को ऐसा स्लिपरी रोड में अपील की तरफ कैसे लेके जाऊँ। तो जाना तो पड़ेगा क्योंकि 3 बजने वाला है, तो इधर से चलते फिर। ओ भाई मेरे, फिसल ना जाऊँ कहीं। थोड़ा बारिश की वजह से स्लिपरी हो गए, तो कैसे लेके जाऊँ, देख सकते हैं आप पूरा रोड का कंडीशन।
मैंने तो भूल ही गया, ये अभी अर्बन मोड में है, ठीक है। अब मैं इसको रेन मोड करता हूँ। हाँ, अभी रेन मोड हो गया है। लेकिन ये गोप्रो का फुटेज कैसा आ रहा है, क्योंकि मैंने शीशा से कवर किया है ना, तो इग्नोर करना भाई लोग। भाई मेरे बहुत ही स्लिपरी हुआ है रोड तो। रोनिन का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, रेनी रोड में भी, स्लिपरी रोड में भी बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो आधा रास्ता मैंने पार किया, ठीक है, लेकिन अभी आधा बाकी है। बहुत ही स्लिपरी है रोड, इसलिए संभाल के चला रहा हूँ। तो फिर राइड को कंटिन्यू करते फिर। भाई मेरे ये पता नहीं किसका इनफिल्ट है ये, तो ये नीचे नहीं लेके गया, तो इसको इधर ही पार्क कर दिया पिछले, क्योंकि रास्ता बहुत ही खराब है ना, स्लीपर ही हो गया है। ओ भाई नीचे से आया, अभी भी बारिश हो रहा है हल्का सा, अभी मैं फर्स्ट गियर में ही अपील की तरफ चढ़ा के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को रिस्क नहीं लेना, सेकंड गियर चला के स्पीड चला के मेरे को बाइक नहीं गिराना, मेरे को एकदम आराम से जाना है, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाज नहीं, बस आराम से पहुँचना है। लेकिन रास्ते का हालत देखिए, इतना बड़ा बड़ा पत्थर, रॉयल इनफील्ड का बाइक और यामा एम टी 15 जो कि नीचे की ओर लेके नहीं गया है, क्योंकि बारिश हुआ ना, अब समय स्लीपर हुआ इसलिए नीचे लेके नहीं गया है। लेकिन अपना रोनिन जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया आज ऑफ रोड में, आप लोग देख सकते हो रेन मोड में चला रहा हूँ। तो रेन मोड में चलाने से क्या होता कि थोड़ा बहुत स्लिप होने का चांसेस कम रहता है। तो फिर चलिए चलते हैं यहाँ से। नमस्ते दिदीहरू, हात लगाइदिनुहोस् है यता। हाम्रो यहाँ गोर्खाली चेलीहरू हो सबैजना है। ओके गाइस, तो मैं असला फल्स से ये तिंगलिंग फाटक पे पहुँच गए, तो अपना रोडिन को यहाँ पे पार्क कर दिया है। तो जब मैं असला फल्स से निकला था उस टाइम लगभग 3 बजने वाला था, अभी 4 बजने वाला है। लेकिन मैंने रास्ते में रुक के आया ना, तो थोड़ा सिनेमेटिक शॉट भी लिया, इसी कारण से थोड़ा लगभग 40-45 मिनट लग गया। चले फिर चाय का चुस्की का मज़ा लेते हैं। तिंगलिंग फाटक पे हल्का सा बारिश के बूंदे बरस रहा है, इस मौसम में चाय का चुस्की का मज़ा कुछ अलग ही मज़ा है। तो चले चाय का चुस्की का मज़ा लेते हैं। मैंने रेनकोट और जो गोर्खे बूट था वो मैंने पहन लिया, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकता है। तो यहाँ से सिलगढ़ी का जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और दार्जिलिंग का जो डिस्टेंस है वो करीब 57 का किलोमीटर का डिस्टेंस है, और मिरिक यहाँ से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आफ्टर टी ब्रेक फिर राइड को कंटिन्यू करते, चलिए फिर चलते।
ओके गाइस, तो जस्ट रिच सुखिया पेट्रोल पम्प, तो सुबह मैंने यहाँ पे टैंक फुल किया था, तो टोटल किलोमीटर रनिंग हो चुका है 94.3 किलोमीटर रनिंग हो चुका है। फुल टैंक करेंगे, उसके बाद रनिंग का माइलेज टेस्ट करेंगे। अलग हाल दिन बस बस भाई 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 गाइस, आप लोग देख सकते हो तो टाइम हो चुका है, तो फिर लगा 2.55 लीटर, 270 रुपये का फिर लगा 2.55 लीटर। ओवरऑल आज का माइलेज 36 का माइलेज दिया रोनिन ने, क्योंकि आज मैंने ऑफ रोडिंग भी किया, सिटी राइड भी किया, ऑफ हिल डाउन हिल सभी रोड पे चलाए, तो 36 का माइलेज दिया। ठीक है, क्योंकि जो असाला फॉल्स का जो ऑफ हिल का जो रास्ता था, ज़्यादातर मैंने फर्स्ट गियर यूज़ किया ऑफ हिल में, और रोड भी थोड़ा स्लीपरी था, आप लोग देख सकते हो पूरा कोहरा ही कोहरा है, इसलिए मैं 1, 2, 3 गियर में ही आया। तो माइलेज एकदम ठीक है, बढ़िया है, और हाईवे में देता है माइलेज 42-45 तक दे देता है, तो बहुत ही अच्छा माइलेज है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो, यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, और चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और मेरे को यहाँ से और 30 किलोमीटर बाइक राइड करके जाना होगा। तो आज का ब्लॉग करते एंड, मिलते हैं आप लोग साथ सीधा फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो सोलो राइड में मैं सिनेमैटिक शिफ्ट, तो सोलो राइड में मैं सिनेमैटिक शॉट कैसे लेता हूँ, तो ये है गाइस बिहाइंड द सीन।